हेलो गाइस, मेरा नाम है विपेंद्र यादव और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कोरोना वायरस। आज पूरी मानव जाति के लिए एक सरदर्दी बना हुआ है एक वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो जानते हैं क्या है ये कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस डैट कॉजेज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू मोर सिवियर डिजीज सच एज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डैट कॉजेज कोविड-19। देखिए, एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को ही अफेक्ट करता है और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है कोविड-19। देखिए, दोनों चीज़ अलग हैं। कोरोना वायरस इज़ डिफरेंट, कोविड-19 इज़ डिफरेंट। कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है कोविड-19। और इसका नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। इट सीम्स लाइक टू बी अ क्राउन, क्राउन की तरह हमें नज़र आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, कोरोना वायरस। अब हम देखते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सम थ्योरीज हैव बीन डिस्कवर्ड जो कहती है कि कोरोना वायरस वॉज ट्रांसमिटेड फ्रॉम साइविट कैट्स टू ह्यूमन्स, मतलब एनिमल्स से ह्यूमन में आया है। ऐसे कुछ थ्योरीज बताई जा रही हैं, लेकिन कितना ट्रू है, कितनी इसकी सच्चाई है, ये अभी कोई नहीं कह सकता। इट्स जस्ट अ थ्योरी। और जो फर्स्ट कंट्री विच वॉज सिवियरली इफेक्टेड बाय दिस वायरस वॉज चाइना। तो चाइना में हज़ारों से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इस वायरस की वजह से, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और अब कोई भी न्यू केस चाइना में नहीं आ रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो जो वायरस है इट्स बीन ट्रांसमिटेड टू मोर देन 160 कंट्रीज, 160 से ज़्यादा कंट्रीज में वायरस फैल चुका है। इतना खतरनाक वायरस है जिसने पूरी मानव जाति के लिए एक सरदर्दी खड़ी कर दी है। तो अब हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज कि ये वायरस ज़्यादा फैले ना। सो प्रिकॉशंस टू बी टेकन, वो अब हम जानते हैं। सो लेट स्टार्ट गाइस। सबसे पहला है कि अपने हाथों को ज़रूर धोएं, बार बार अपने हाथों को धोएं। ये वायरस से अगर बचना है तो ये पहला प्रिकॉशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन। एंड सेकेंड वन इज़ डू नॉट टच योर फेस, अपने हाथों से अपने फेस को बिल्कुल टच मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके हाथ पे वायरस है और आपने अगर उसको टच कर लिया नोज़ के आसपास, माउथ के आसपास, वो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा और आपको पूरी तरह से इफेक्ट कर देगा। एंड द थर्ड वन इज कीप सेफ डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस वायरस को ख़त्म करने के लिए कि लोगों से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना अच्छा है, ताकि बीमारी फैले ना। एंड द फोर्थ वन इज स्टे इन होम इफ पॉसिबल, जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, तभी बाहर जाए, वरना एटलीस्ट कि आप घर में ही बने रहें। और द लास्ट वन इज़ कफ इन एल्बो, अगर आप खांसी करते हैं तो आप अपने एल्बो का यूज़ कर सकते हैं, अपना पाम का यूज़ मत कीजिएगा, इट इज़ द बेस्ट। सो आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ में आई हों कि ओरिजिनेशन क्या हुआ, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ एंड कोरोना वायरस होता क्या है। सो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने और अपने परिवार वालों की बहुत मदद करेंगे, साथ में पूरी मानव जाति के लिए भी बहुत मदद करेंगे। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू एंड सायोनारा।